फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था वायरलेस माइक को। आज इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि वायरलेस माइक लेना चाहिए या नहीं। चलिए इसके पीछे को भी देख लिया जाता है। पहले तो इसमें देख लीजिए, ब्लॉगिंग के लिए और प्लेइंग के लिए भी है, 20 मीटर तक रेंज के लिए है और मेड इन चाइना है। चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या निकलता है। अगर आपको भी ये वायरलेस माइक चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तड़प नहीं, सुके तड़प सुके नहीं, सुके। अनबॉक्सिंग करने चलते हैं। अनबॉक्सिंग करने पर हमें दिख रहा है 2 माइक। चलिए अभी इसको बाहर निकालते हैं। एक माइक पहला, ये दूसरा माइक। चलिए अभी इसका टेस्टिंग भी करके आपको दिखाते हैं। हेलो चलिए इसका टेस्टिंग कर रहे हैं। जो ये आवाज़ सुनाई दे रहा है ये इसी माइक का है। आपको अभी इस पर माइक से पता ही चला गया होगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं।